एक सेकंड, कर्नाटक के शिक्षा मंत्री इस वक्त बीसी नागेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सर, आपका फर्स्ट रिएक्शन, क्योंकि इसको लेकर के बहुत ज्यादा बहस चल रही थी, बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहे थे कि ना जाने किस तरफ आता है। कोर्ट ने इसे क्रिस्टल क्लियर कर दिया है कि दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द रिलीजियस एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। हेलो जी नागेश साहब। हाँ, क्लियरली देखो, कर्नाटक का निर्णय क्या क्या लिया था इसको कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। कर्नाटक का निर्णय के विरुद्ध 6 लड़की लोग हाईकोर्ट गया था, उधर आप क्या बोला ऐसा पॉइंट वो लोग पिटीशन में डाल चुका था, हमारा रिलीजियस प्रैक्टिस एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है और एसडीएमसी को कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है और कर्नाटक सरकार को भी बोलने का अधिकार नहीं है। यस, या आप लोग क्रिस्टल क्लियर जैसा हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे चुका है वह एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है या रिस्ट्रिक्टेड राइट है, वह यूनिफॉर्म को यूनिफॉर्म रिस्ट्रिक्टेड राइट है, इसलिए यूनिफॉर्म फॉलो करना हर विद्यार्थी स्टूडेंट का ड्यूटी है। इसका इस स्पष्ट निर्णय है, मैं भी संतोष हूँ और सरकार का निर्णय को वह लोग अपेल्ड किया ना, उससे हमारा दिक हम किस दिशा में जा रहा है वह ठीक दिशा हमको ऐसा देख रहा है। बहुत से लोग अब भी कह रहे हैं सर कि इसको कर्नाटक के इलेक्शन से जोड़ रहे हैं, हालांकि इसके पीछे और भी कई, हमने बकायदा दिखाया था कि कैसे सिर्फ 4 स्टूडेंट्स द्वारा रेज किया हुआ एक इशू था और कैसे पीएफआई और तमाम लोगों ने कोशिश की इसे बिल्कुल रिलीजियस, जिसे कहते हैं कि आइडेंटिटी इशू बनाने की। उस लोग का विचार ही ऐसा है, समाज को डिवाइड करना, और कुछ पॉलिटिकल पार्टी को भी ऐसा ही इस ने विचार लेकर वोट बैंक बनाने का सोचता रहता है। या विचार पहले देश में आ नहीं चुका है, बहुत दिन से ऐसा चल रहा है, मगर इस सब वादा को हर टाइम कोर्ट और लोग ने इसको विरोध किया है और सत्य हर टाइम जीत गया है, इस बार भी सत्य जीत गया है। और जो इसे हिंदू मुस्लिम करने की सोच रहे थे, आपकी गवर्नमेंट पर जो है निशाना साध रहे थे, उनके लिए क्या इसमें मैसेज है? नहीं, वह स्पष्ट रूप से हाईकोर्ट का ऑर्डर उसको उत्तर दे चुका है। कारण या यूनिफॉर्म समवस्त्र का नियम क्या है, वह बीजेपी सरकार आने के में नहीं आया है। बहुत स्वतंत्र होने के बाद अनेक राज्य में या समवस्त्र का नियम पालन कर रहा था, कर्नाटक भी बहुत पुराने से कर रहा था। इसको पॉलिटिकल इश्यू बनाने के लिए कुछ लोग कोशिश किया, वह लोग को सीधा और स्पष्ट रूप से उत्तर आज मिल चुका है। कैसे सिचुएशन से डील करेंगे सर? अभी से ही शॉट्स आने लग गए हैं, कुछ ऐसे विजुअल्स आ रहे हैं जिसमें पेरेंट्स जो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी से इस फैसले के खिलाफ। नहीं, ऐसे चीज 1-2 दिन चल सकता है, बाद में देखो, हम लोग स्पष्ट रूप से बोल चुका है कौन कौन क्लास को आना है, वह स्पष्ट रूप से रूल्स फॉलो करना, यूनिफॉर्म को फॉलो करना, यूनिफॉर्म से ही वो लोग क्लासरूम आना पड़ेगा। एंड उन ताकतों के लिए इसमें आपके लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी, जो हो सकता है कि इन लोगों को, जिसे बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत मीडियम या लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, उनका फ़ायदा उठा करके इस चीज़ को जो है एक पॉलिटिसाइजेशन करने की कोशिश करें? सरकार को इतना शक्ति है, ऐसा आदमी को कैसा हैंडल करना हमारा होम डिपार्टमेंट को मालूम है, होम डिपार्टमेंट पक्का हैंडल करता है। ऐसा मिसकरेंट्स कौन कौन है, उसने शांति को डिस्टर्ब करना, समाज में अंतर दिलाना, ऐसा आदमी को हमारा होम डिपार्टमेंट स्पष्ट रूप से हैंडल करता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। शिक्षा मंत्री कर्नाटक, उन्होंने कहा कि जो यूनिफॉर्मिटी है वो सबका अधिकार है और यही अपील किया है इस वक्त हाईकोर्ट ने, जो ये पूरा फैसला आया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक गए। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।